ज्योतिष आचार्य जी, अमावस्या कब है और अमावस्या किस्मत अगर साथ नहीं दे रही है मेहनत करने के बावजूद भी, तो अमावस्या के दिन क्या उपाय करना चाहिए? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। अब जो है 18 तारीख से, 18 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप पितृ दोष से जूझ रहे हैं, आपके घर में पितृ दोष है, तो आप अमावस्या के दिन आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, तो अमावस्या जो होगा, पितृपक्ष का अमावस्या, यानी 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को आपको करना है। यदि आप कुछ उपाय कर लें, तो आपका किस्मत जो आपको साथ नहीं दे रही है, वह देना प्रारंभ कर दे। करना क्या है, अमावस्या के दिन आपके आसपास यदि काली गाय हो, तो काली गाय की पूजा करें। सर्वप्रथम काली गाय की जो है पूजा करके काली गाय को चारा खिलाएं। और दूसरा उपाय है कि एकदम आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, एकदम आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, तो करना क्या है, अमावस्या के दिन काला कपड़ा लेना है 1 मीटर, और 1 मीटर काले कपड़े में नारियल को बांधना है। नारियल के साथ थोड़ा सा उसमें तिल डालिए, थोड़ा सा जौ डालिए, और काला चना उसमें डाल दीजिए। काला चना डाल करके और उसमें एक सिक्का रख दीजिए। सिक्का रखने के बाद आप उसको पोटली बनाइए, और पोटली बना करके उसको बांध दीजिए, और अपने सर से 7 बार पूरे शरीर में लगाइए। पूरे शरीर में लगाकर 7 बार आप मस्तक पर उसको घुमा करके, और बहते हुए जल, यानी नदी यदि आपके आसपास हो, तो नदी में उसे प्रवाहित कर दीजिए। ध्यान रहे, ये कर्म करते हुए, प्रवाहित करते हुए, आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, यह अमावस्या का अचूक टोटका है। यदि आप आर्थिक तंगी, आप घर से परेशान हैं, आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसा करने से आपके जीवन में निश्चित सुधार होगा। और करना क्या है, इसके बाद आप उसे प्रवाहित कर दें, और शाम के समय में अमावस्या के दिन पीपल के जड़ में जल, दूध और काला तिल मिला करके जड़ में डालें, ताकि कोई किसी का नजर न पड़े संध्या काल में, और एक दीपक जला करके पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। वह सूत का बत्ती हो, कपास का नहीं, कपास का बत्ती कदापि न डालें। उसमें सूत जो है, उसको सूत को बांट करके 2 धागा डालें, और 2 धागा डाल करके यदि आप पीपल नीचे, पीपल वृक्ष के जड़ के पास यदि आप दीपक जलाते हैं, तिल के तेल का या सरसों तेल का, तो निश्चित रूप से आर्थिक तंगी आपकी समाप्त हो जाएगी। आपका किस्मत दूसरे दिन से ही आपको साथ देने लगेगा। यह उपाय आप करके देखें।